नमस्कार, मैं हूं कुलजीत और स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में। विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल दलों के प्रमुख नेताओं की आज दिल्ली में बैठक है। इस बैठक में अगले लोकसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे, साझा जनसभाओं और नए सिरे से रणनीति बनाने समेत कई मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। यह बैठक अभी हाल ही में हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन की पृष्ठभूमि में हो रही है। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है। सूत्रों का कहना है कि इस बैठक में सकारात्मक एजेंडा तय करने, सीट के बंटवारे, नए सिरे से रणनीति बनाने और साझा जनसभाओं को लेकर मुख्य रूप से चर्चा संभव है। यह बैठक दोपहर 3 बजे दिल्ली के अशोका होटल में होगी। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने सोमवार को पटना में मीडिया से बात करते हुए कहा कि पहले गठबंधन की जो समितियां बनाई गई थी वे पर्दे के पीछे काम कर रही थी। तेजस्वी ने कहा कि विपक्षी गठबंधन में हर कोई अपनी भूमिका निभाएगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि क्षेत्रीय दल बहुत मजबूत हैं और जहां भी क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत हैं वहां बीजेपी कहीं नज़र नहीं आती है और ज़्यादातर क्षेत्रीय पार्टियां इंडिया गठबंधन के साथ हैं। दरअसल तेजस्वी ने पहले भी कहा है कि राज्यों में कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाते हुए क्षेत्रीय पार्टियों को ज़्यादा सीटें देनी चाहिए। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इंडिया गठबंधन में आगे की भूमिका पर भी तेजस्वी ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सभी की भूमिका एक समान है, सभी का उद्देश्य एक ही है, वो है बीजेपी को केंद्र की सत्ता से बाहर करना। इधर बैठक से पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को कहा कि इंडिया गठबंधन के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार का फैसला 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद किया जाएगा। यह पूछे जाने पर कि क्या इंडिया गठबंधन सीट बंटवारे जैसे मुद्दों पर कदम उठाने में देर कर रहा है, इस सवाल पर ममता बनर्जी ने कहा कि देर आए दुरुस्त आए। इंडिया गठबंधन की अब तक 3 बैठक पटना, बेंगलुरु और मुंबई में भी हो चुकी हैं।